नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सदा सुखी रखे, खुश से बख्शे। संबंधों में टकराव आम बात है और कहते हैं ना कि घर में अगर बर्तन है तो खटकेंगे ही, लेकिन अगर संबंध पति पत्नी के खराब हो जाए तो जीवन बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए आज हम पति और पत्नी के संबंधों की ही बात करेंगे, साथ ही आपके दिन का हाल भी बताएंगे और किन विषयों पर बात करेंगे, आइए जानते हैं। राशियों के अनुसार जानिए कैसा रहेगा आपके दिन का हाल। अब पति से नहीं होगी अनबन, रिश्तों में आएगी मिठास। जानिए पति की बुरी आदतों को छुड़ाने वाले रामबाण उपाय। आपके पति को बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए आप क्या करें। शो की शुरुआत करें उससे पहले आपको याद दिला दें कि आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। बस आपको गुरु मंत्र पेज को लाइक करना है, फॉलो करना है और सवाल करना है। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। साथ ही टीवी स्क्रीन पर ईमेल आईडी जो फ्लैश हो रही है उस पर आप अपना सवाल और डिटेल्स हमें मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर तुरंत कॉल कीजिए। तो चलिए शो की शुरुआत करें उससे पहले आज हम आपकी राशियों का हाल जान लेते हैं। आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी आती है मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। काम काज में जोश और चुस्ती फुर्ती देखने को मिलेगी। परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय बीतेगा। दोस्तों और भाई बंधुओं के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं। वृष राशि, परिवार में सुख मिलेगा, शरीर में आलस्य बना रहेगा, किसी से बेवजह का विवाद परेशानी का कारण बन सकता है, गृहस्थ सुख में कमी बनी रहेगी। मिथुन राशि, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, यात्राएं हो सकती हैं, आपको या परिवार में किसी के सेहत को दिक्कत आने की संभावना है। कहते हैं कि हर शख्स की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है और ज्यादातर पुरुषों की सफलता के पीछे उनकी पत्नी का ही हाथ होता है। तो आज हम पति पत्नी के रिश्तों पर ही बात कर रहे हैं। गुरु जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि क्या पत्नी की कुंडली में पति के सफलता के कुछ लक्षण होते हैं, कोई योग होते हैं। बिल्कुल बेटा, ऐसा ही होता है। कई बार आदमी की कुंडली में और कई बार औरत की कुंडली में, इन दोनों में से किसी एक की कुंडली के अंदर लगभग ये योग तो होता ही है कि शादी के बाद तरक्की मिलेगी। उसका कारण ये है, जन्म कुंडली का जो सातवां घर होता है, सातवें घर के अंदर बैठे हुए जो भी ग्रह हो या सातवें घर का जो मालिक होता है, वो अगर किसी अच्छे घर में बैठ गया, जैसे नौवें में, दसवें में, ग्यारहवें में, दूसरे में, चौथे में, तो इंसान को सुख ही शादी के बाद मिलता है। और बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जैसे सूर्य का लग्न के अंदर होना या बृहस्पति का लग्न के अंदर होना, मंगल का लग्न के अंदर होना। बेटा, ये भी ग्रह यही तय करते हैं कि शादी के बाद ही इंसान को तरक्की मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। इसीलिए वाकई में शादी के बाद के अच्छे योग बनते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसे हालात बनते हैं, अगर जन्म कुंडली के सातवें घर का मालिक अगर किसी खराब घर के अंदर बैठ गए, तो ये भी होता है कि शादी के बाद कामकाज खराब हो जाएगा, मियां बीबी के सुख अच्छे नहीं रहेंगे, परिवार के सुख अच्छे नहीं रहेंगे, जो इनकम चल भी रही है वो भी बंद हो जाएगी। और हमने तो बहुत बार देखा है कि लड़के की कुंडली के अंदर कई बार खराब योग होता है, ऐसा कि मान लो मंगल तीसरे घर का है और खराब है, और ऐसी अवस्था के अंदर जैसे ही शादी होती है कामकाज बंद हो जाते हैं, घर में क्लेश पड़ते हैं। अब योग तो ये लड़के की कुंडली में है, लेकिन दोष दिया जाता है आने वाली बहू को कि जब से ये आई है तब से हालात खराब हो गए। इसीलिए बेटा, अगर जानकारी का अभाव है तो आप खाम खाई में अंधेरे में तीर चलाते रहोगे। अच्छा ये है, अपनी अपनी जन्म कुंडली के बारे में पूरा विवरण आप सबको पता होना चाहिए। अगर वो आप पता लगाते हो तो आपको पता चलेगा कि हो सकता आने वाली बहू
उसके हालात ना खराब हो, उसकी जन्म कुंडली ना खराब हो, आपके बेटे की ही जन्म कुंडली खराब हो। तो बेटा इन चीजों का अगर ध्यान रख के चलोगे तो जिंदगी सुखी रहेगी, क्योंकि इलाज करना आसान रहेगा। तो क्या लक्षण होते हैं ये तो गुरुजी ने हमें बता दिया है। गुरुजी आपसे जानना चाहते हैं, अगर किसी के पति को सफलता नहीं मिल रही है, जीवन में बहुत परेशानी आ रही है, तो पत्नियां कुछ उपाय कर सकती हैं जिसकी वजह से पति की जिंदगी सुधर जाए? ये सच बात है बेटा, पत्नी को अर्धांगिनी बोला जाता है, यानी कि हर चीज में आती है। और वैसे भी जब भी पति पत्नी मिलते हैं तभी एक तरह का संपूर्ण जीवन बनता है, चाहे वो सुख का हो चाहे दुख का हो। अब जन्म कुंडली के अंदर अगर ऐसे हालात बन जाए कि पति के अपनी कुंडली में या पत्नी के योग के कारण कि शादी के बाद कामकाज अच्छा नहीं रहेगा, कई लोगों का पहले बहुत अच्छा चलता रहता है लेकिन बाद में बिल्कुल कामकाज खराब हो जाता है, काम होता ही नहीं। इसमें होता क्या बेटा, इसमें जन्म कुंडली का जो दसवां घर है वो डैमेज हो जाता है। कारण कई बन सकते हैं। अब मान लीजिए शनि की अच्छा चल रहा है और उस वक्त में शनि खराब है और इंसान ने मकान बना लिया या इंडस्ट्री लगा ली किसी तरह की, या गाड़ी चलाने का धंधा कर लिया या किसी और तरह का चमड़े का धंधा कर लिया, उसी वक्त शनि देव बुरा फल देते हैं और सारे मामले खराब कर देते हैं और काम धंधे से आदमी बेकार होकर बैठ जाता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर बेटा जब भी किसी का काम खराब हो जाए आप समझ लीजिए कि इसमें शनि और बुध तो जरूर है। और जो सुबह सवेरे औरतें नहा धो करके मंदिर जाती हैं और मंदिर जाके परमात्मा को बेशक दो चार फूल ही अर्पित करती हैं, बेटा उनका बुध अपने आप अच्छा होने लगता है और कहीं से भी सहायता चल के आती है, समझ गए। और शनि जो भी लोग सुबह उठ करके बड़ को या पीपल को जल चढ़ाते हैं, जब बृहस्पति अच्छे होने लगते हैं, सूर्य चंद्र अच्छे होते हैं, शनि को भी अच्छा फल देना पड़ता है। और अपने दिल के अंदर रखी हुई नरम दिली कहते हैं ना कि घर पे जो भी आए वो कभी भूखा या प्यासा नहीं जाना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए, दरवेश की सेवा करनी चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेता रहना चाहिए। जिस घर की भी औरत इस तरह की चरित्रवान होगी, संस्कारी होगी, जो आए हुए को कभी प्यासा ना जाने दे, आए हुए को खाना जरूर पूछे और अपने घर के आसपास जो पालतू जानवर होते हैं उनका भी खास तौर पे जो ध्यान रखती है, उसका आदमी भले ही कामकाज उसके पास हो या ना हो पर उसके घर पे अन्न और धन की कमी नहीं हो सकती। तो इसीलिए पत्नी को लक्ष्मी भी बोला जाता है। और जब घर की लक्ष्मी परमात्मा के कर्तव्य के लिए, दूसरों की भलाई के लिए इस तरह के कार्य करती है और परमात्मा की शरण में जाती है तो उसके पति के सारे उसके दुर्गुण कटते हैं, उसके बुरे हालात कटते हैं और परमात्मा जरूर आशीर्वाद देकर करता है। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है, नीलम है इलाहाबाद से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। प्रणाम गुरु जी, मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है, माता रानी सदा सुखी रहो, 1st अक्टूबर 98, समय है शाम की 6:32, स्थान है दिल्ली। ठीक ठीक है बेटा, हाँ क्या जानना चाहते हैं बेटा? गुरुजी मैं इसके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ, इसका भविष्य कैसा रहेगा, ये आर्मी ज्वाइन करना चाहता है कि ये सक्सेस होगा? बेटा सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि इसकी जन्म कुंडली के अंदर शनि देव लग्न के अंदर बैठे हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, और ये अपने अंदर गुस्से की मात्रा को बढ़ाते हैं, इंसान को समझदार तो बनाते हैं और अगर किसी टेक्निकल फील्ड के अंदर जाता है या रख रखाव यानी कि मैनेजमेंट में अगर किसी भी तरह की जाता है तो ये बच्चे के लिए बढ़िया है। लेकिन इसकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण जो 11वें स्थान के ऊपर बैठा हुआ है, ये पहले तो पिता को उनके पिता से आने वाली प्रॉपर्टी के लिए खराबी के योग देता है, अगर मिल भी जाए तो उसको खराब करता है, फिर अपनी जिंदगी के अंदर भी मां को बहुत ज्यादा तकलीफें देता है, और फिर उसके बाद में बेटा ये केतु की खराबी रुपया पैसा प्रॉपर्टी मन की शांति घर के अंदर की सुख शांति को खराब करने का काम करता है। तो बेटा इसका उपाय कर लेने के बाद फिर जो तुम सोच रही हो वो बिल्कुल हो सकता है और ये आर्मी में भी जा सकता है। और वो उपाय क्या है, हर 3 महीने के बाद 11 दिन लगातार 11 खोए के पेड़े लेने हैं जो 11 बच्चों में बांटने हैं, यानी कि एक दिन के 121
खोए के पेड़े। अगर बच्चों में बांट दो तो उत्तम, नहीं तो बेटा उसको जल प्रवाह कर दो। ये हर 3 महीने बाद ये उपाय करना जरूरी है। और दूसरा उपाय है बेटा, साल में एक बार तवा, चिमटा या अंगीठी, ये किसी को गरीब को राह चलते को दान में देना, ये साल में एक बार, और हर रोज बढ़ के पेड़ के दूध और पानी मिला करके चढ़ाना। बेटा अगर ये उपाय हुए तो तेरा बच्चा बेहद कामयाब रहेगा। अगर शनि मंदिर के अंदर समय समय पर यह दूध देता रहा तो जिंदगी के अंदर तरक्की भी बहुत करेगा। अगर ये उपाय रुके तो बेटा इसकी सोच बुलंदियों पे होगी लेकिन काम बुलंदियों पे नहीं होगा, वहां पर आकर के तकलीफें रहेंगी। तो बेटा ये उपाय करो, परमात्मा की दया से इसका भविष्य बहुत उज्जवल बनेगा। गुरु जी कहते हैं जहाँ प्यार होता है वहाँ धोखा भी होता है। आज हम पति पत्नी के रिश्ते की बात कर रहे हैं, क्या कुंडली में ऐसे योग होते हैं जिसकी वजह से पहचान सके कि पति धोखा देगा, और अगर दे रहा है या ऐसे योग हैं तो उसके उपाय क्या किए जा सकते हैं? बेटा जिसकी भी पति की जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति और शनि खराब अवस्था के अंदर हो, एक तो बृहस्पति की ये अवस्था होती है कि वो जाकर के ही मकर राशि में बैठ जाए, और शनि भले ही खराब राशि में बैठा हो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वो खराब घर में बैठा हो तब वो खराब होता है। जैसे जन्म कुंडली का चौथा घर, तीसरा घर, पांचवा घर और आठवां घर, बेटा इन घरों के अंदर बैठे हुए शनि कहीं ना कहीं आकर के ये तकलीफ देते ही है। और बृहस्पति अगर शनि की राशियों में बैठ जाए या वैसे ही जन्म कुंडली के 10वें घर में 11वें घर के अंदर विराजमान हो जाए तो बेटा ये कहीं ना कहीं आकर के ये बड़ी खराबियां देते ही है। और इनके साथ पापी ग्रह मिल जाए, यानी कि 7वें घर का संबंध चाहे राहु के साथ, चाहे केतु के साथ, चाहे शनि के साथ, किसी के साथ में भी हो जाए तो बेटा ये खराबी का योग वाकई में बनता है कि जिसके अंदर पत्नियों को धोखा मिलता है। ऐसी अवस्था के अंदर अगर पत्नी स्वयं कुत्ते और कौओं की सेवा करती रहे, यानी कि शनि को अच्छा रखे, और जो भी औरत बृहस्पतिवार का व्रत रखती है और पीपल को कच्चा पीला सूत लपेट के उसको जल चढ़ाती रहती है, उसके पति का बृहस्पति खराब होते हुए भी उसको बुरी राह पे कभी नहीं जाने देता। जिस भी औरत के घर में कलेश बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और खास तौर पे पति के साथ ही अगर वो बृहस्पति की पूजा करती है, यानी कि बृहस्पतिवार का व्रत रख के पीपल को कच्चा पीला सूत लपेट के उनको जल चढ़ाना और गणपति जी की पूजा करना, बेटा उसका पति कभी ना भटक सकता है ना ही ज्यादा क्लेश कर सकता है। अगर क्लेश हो भी रहा हो तो वो भी बंद होता है। और ऐसे में चंद्रमा को भी मिलाना, यानी कि शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना, दूध चावल मिश्री ये मंदिर के अंदर देते रहना, बेटा ये घर परिवार के सुख को और ज्यादा अच्छा करता चला जाता है। और जो भी औरत इस तरह के कर्म करती है और इस तरह से सात्विकता को अपना करके संस्कारों में रहती है, बेटा उसका पति जिंदगी में कभी नहीं भटक सकता। अगर भटक गया तो वो वापस जरूर आएगा उसके यही कर्म करने के बाद। तो भोलेनाथ की कृपा आपका जरूर होगी और उसके बाद में परमात्मा की दया से जिंदगी के अंदर अच्छे हालात बनेंगे। तो पीपल पर जल चढ़ाते रहो और खुशियां पाते रहो। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है, नंदिता है सिलीगुड़ी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। शायद अभी आवाज नहीं आ रही बेटा। नंदिता जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? गुरु जी पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, पति बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं, पत्नी इस चीज से बहुत परेशान रहती है, तो जिनके पति सबसे ज्यादा गुस्सा करते हैं वो क्या कर सकती हैं उनके गुस्से को शांत करने के लिए? बेटा जब भी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र और मंगल एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां पर की क्लेश का कारण बनते हैं, यानी कि घर के अंदर की सुख शांति, मेहनत करके परिवार को चलाना, अपनों का साथ देना, अपने खून के ताल्लुकदारों के साथ में भी अच्छे रहना, बेटा ये मंगल करते हैं। और चंद्रमा जब मंगल के प्रभाव में आ जाए या पापी ग्रहों के प्रभाव में आ जाए उस वक्त घर के अंदर क्लेश की स्थितियां बनती है, और ऐसे में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। शादी के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं होता जब आपस में टकराव किए बिना कोई रहता है, और इसमें कई बार तो पत्नी का भी अपना भी स्वभाव खराब होता है,
कि उसको कड़वा बोलने की आदत पड़ जाती है, हर वक्त नेगेटिव सोचने की ही आदत पड़ जाती है। बेटा ये वाले हालात भी देखने को मिलते हैं। और या फिर पति बाहर बिल्कुल खुश रहता है, दुनियादारी के लिए बहुत अच्छा होता है, दुनियादारी वाले कहते हैं कि इसके जैसा इंसान ही कोई नहीं, लेकिन वो जैसे ही घर में आता है वैसे ही तकलीफों के पूरे अडम्ब खड़े हो जाते हैं, यानी कि घर पे आकर के उसको जीवन साथी की शक्ल देखते ही गुस्सा चढ़ने लगता है। बेटा ये बहुत बुरी सिचुएशन है, इसे बोलते हैं चंद्र और मंगल का खराब होना। और चाहे चंद्रदेव पापी ग्रहों के साथ में हो, चाहे मंगल स्वयं वो बुरे हालात के अंदर बैठे हो, तब ये हालात बनते हैं। और वैसे भी शादी के बाद कहते हैं ना कि चंद्र कुंडली देखते हैं, वो शायद देखने का कारण ही यही होता है बेटा कि चंद्र कुंडली के अंदर अगर खराब योग आ गए तो घर में कलेश ही रहने वाला है, तो इसीलिए पहले उसके उपाय करते हैं। तो चंद्र मंगल को अच्छा कर लीजिए, सब अच्छा। चंद्र मंगल को अच्छा करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? सबसे पहले तांबे का एक लोटा लीजिए, तांबे के लोटे के अंदर चावल भर लीजिए पूरे, और लाल चंदन का जो बाजार में बुरादा मिलता है बेटा वो आपको इस्तेमाल नहीं करना। वाकई में लाल चंदन लीजिए, उसे घर में ही सिल के ऊपर घिस के उसका पेस्ट तैयार करिए। वो लाल चंदन आपने लाल तांबे के लोटे के चारों तरफ लगा देना है, यानी कि पूरा लोटा चंदन से लिपा होना चाहिए। वो लगा के मंगलवार के दिन अगर मियां बीबी दोनों हो सके तो बहुत ही उत्तम, नहीं तो स्वयं पत्नी ही या पति ही कोई भी कर सकता है। मंगलवार के दिन 9-10 बजे हनुमान मंदिर में जाकर के, बस अगर औरत है तो वो पंडित जी को पकड़ा दे ताकि वो हनुमान जी के चरणों में रख दे। अगर आदमी स्वयं जा रहा था स्वयं हनुमान जी के चरणों में रख सकता है। अगर ये उपाय लगातार होता रहा और कम से कम 27 मंगलवार अगर ये उपाय कर दिया तो बेटा किसी भी तरह का कलेश हो, चाहे पति नेगेटिव सोचता हो चाहे पत्नी नेगेटिव सोचती हो, बेटा इस तरह के बुरे योग टोटली खत्म होकर के घर के अंदर हर तरह की खुशी का वातावरण बनेगा और जिंदगी के अंदर आगे का जीवन सदा सुख से बीतेगा। और अब बारी आती है आपका राशि फल जानने की। सब अब जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कर्क राशि, घर में तनाव की स्थिति देखने को मिल सकती है, परिवार के लोगों और परिचितों से किसी न किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है, किसी प्रकार का निवेश करने से पहले बड़ों की सलाह जरूर लें। सिंह राशि, आज कोई शुभ समाचार मिलेगा, ऑफिस में सफलता मिलेगी, मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा, मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। कन्या राशि, आपका परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा, शरीर में भी फुर्तीलापन देखने को मिलेगा, दोस्तों से सहयोग मिलेगा, काम काज सामान्य बना रहेगा। कई महिलाओं की ये प्रॉब्लम होती है कि उनके पति ड्रिंक बहुत करते हैं, दारू बहुत पीते हैं, इस वजह से क्या होता है कि घर का सारा सामान बिकने लगता है, घर में परेशानियां बढ़ने लगती है, पैसे की तंगी होने लगती है, वो कौन से योग होते हैं और उपाय क्या किए जा सकते हैं? बेटा इस दुनिया में चाहे बड़ी बड़ी इमारतों के सुख हैं, चाहे अपने काम के सुख हैं, या नौकर चाकरों के सुख हैं, और चाहे परिवार के सुख हैं, ये सारे के सारे सुखों के आधार हैं शनिदेव। और जब भी जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव खराब अवस्था के अंदर बैठे हो तो बेटा एक बार शराब को मुंह लग जाए तो उसके बाद शराब छूटना भारी पड़ जाता है, उल्टा इंसान के दिमाग के अंदर शनिदेव एक विकार के रूप में घुस जाते हैं और जिससे कि उसको उस चीज की आदत डालते हैं नशे की, अपनी ही दुनिया में रहने की, और आदमी उस आदत के लिए उस नशे में रहने के लिए किसी भी हद तक जाता है, उसमें मार पिटाई भी करता है, उसमें पैसे के लिए अपने घर का सामान भी बेचता है और कई बार तो बाहर भी वो चोरियां कर लेता है या बेईमानी करता है। बेटा इस शनि को अकेले शनि के उपाय से बिल्कुल ठीक नहीं किया जा सकता, इसके अंदर शनि और बुध दोनों का उपाय करना बेहद जरूरी है, और अगर ये उपाय होंगे तो ही शराब छूट सकती है, अदरवाइज नहीं। और वो उपाय क्या है? सबसे पहले जो दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, हर 3 महीने के बाद 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को खाना जरूर खिलाएं, क्योंकि उनको खाना खिलाने से बेटा शनिदेव और अच्छे होते हैं, ठीक है। दूसरा, यहां पर जब आम का मौसम आने से पहले का जो वक्त होता है, यानी कि आम के ऊपर जो बूर आते यानी फूल आता है, बेटा ये जो आम का फूल होता है ये शनि और बुध की पक्का फूल होता है, यानी कि इन दोनों ग्रहों का गुण इसके अंदर होता है। जो भी घर का मेंबर कोई भी हो सकता है,
माँ बाप भाई बहन पत्नी, जो भी इंसान शराब पीता है उसके खून का ताल्लुकदार या उसकी पत्नी। बेटा अगर वो फूल लेकर के 43 दिन लगातार, यानी कि थोड़े थोड़े से आम के फूल लेकर 43 दिन लगातार मंदिर में चढ़ा के दूध और पानी मिलाकर के वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाए, तो बेटा इससे शनि बुध और चंद्र का ये जो मेल है, ये जो मंदिर में जा करके ये बैठते हैं बेटा, इसके बाद में धीरे धीरे करके शराब अपने आप छूटने लगती है। इसके साथ अगर कहीं आप दूध में शहद मिला करके कभी कभार, और कभी कभार दूध में केसर मिला करके अपने उस इंसान को पिलाएं जो शराब पीता है, और साथ ही दूध में शहद और दूध में केसर मिला करके कभी कभार मंदिर के अंदर चढ़ाना, बेटा ये थोड़ी देर की कवायद करके देखो, इसके बाद में शनि हो ही नहीं सकता कि बुरे फल दे। और ऐसे इंसान का एक काम करना बहुत सरल, अगर बहुत जल्दी इसका असर लेना है बेटा, तो 7 शनिवार आपको भैंसा, काला जो भैंसा होता है बेटा, उसकी सेवा करना, यानी कि उसको कुछ खिलाना पिलाना। उसके बाद सरसों के तेल की मालिश उसी के हाथ से अगर भैंसे को आप करवा देते हो, आप देखो चुटकियों के अंदर बेटा वो दिन आपको नजर आने लगेगा कि जब वो धीरे धीरे करके शराब छोड़ने लगेगा। बृहस्पति ज्ञान को बढ़ाना, यानी कि अगर वो इंसान के हाथ से पीले रंग की वस्तुएं, चाहे वो चने की दाल हो चाहे हल्दी हो, कुछ भी लेकर के बेटा थोड़ा थोड़ा करके मंदिर के अंदर अगर वो हर रोज देने लगे, तो बेटा अपने आप बृहस्पति देव की कृपा करके उसको ज्ञान दे करके इस चीज से दूर करने लगे। तो इन उपायों को करो, इससे शनि अच्छा होगा बेटा। घर के अंदर की सुख शांति समृद्धि के लिए बृहस्पति को अच्छा करो, चंद्र मंगल को अच्छा करो, ये शराब की लत अपने आप घर से दूर जाती नजर आएगी और घर में खुशहाली आती हुई नजर आएगी। तो अगर आप भी अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं और बहुत चिंतित हैं, तो तरीका बहुत ही आसान है। गुरुदेव के ऐप चैल माइला का आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद भविष्य से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस ऐप में मिलेंगे। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुरु जी से जानेंगे पति पत्नी में प्यार बढ़ाने वाले गुरु मंत्र के बारे में, रहे पति पत्नी के रिश्ते की। साथ ही आपको याद दिला दें कि टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप अपनी परेशानी और डिटेल्स हमें लिख भेजिए, और टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कॉल करके गुरु जी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप अपने भविष्य से जुड़ी परेशानियों का हल जानना चाहते हैं, तो गुरुदेव के ऐप चैल माई लक आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। और अब बारी आती है आपका राशिफल जानने की। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। तुला राशि, मित्र आपकी कठिन स्थिति में सहायता करेंगे, पारिवारिक सुख मिलेगा, किसी से बेवजह विवाद परेशानी का कारण हो सकता है, खर्चे पर कंट्रोल रखें। वृश्चिक राशि, आज पारिवारिक सुख अच्छा मिलेगा, आपके यहाँ कोई मांगलिक काम हो सकता है, भाई बंधुओं से अनबन हो सकती है, मन में नेगेटिव विचार भी आ सकते हैं, काम काज में आशा के मुताबिक सफलता नहीं मिलेगी, गुस्से पर कंट्रोल करें। धनु राशि, काम काज मिला जुला रहेगा, आपको या परिवार के किसी सदस्य को स्वास्थ्य की दिक्कतें आ सकती हैं, या किसी से विवाद हो सकता है, पैसे का दुरुपयोग परेशानी पैदा कर सकता है। गुरु जी, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि अच्छा खासा परिवार अच्छा चल रहा होता है, सब सुख समृद्धि होती है, लेकिन अचानक से पति का एक्सीडेंट हो जाता है या वो अपाहिज हो जाते हैं, कुछ इस तरह की परेशानी होती है, योग होते हैं जिससे पहचान सके कि पत्नी की कुंडली में ऐसे योग हैं और उपाय क्या किए जा सकते हैं। बिल्कुल बेटा, ऐसा होता है, जब भी जन्म कुंडली के अंदर पापी ग्रहों का आपस में टकराव आ जाए, तो या एक तरफ गुट हो जाए पापी ग्रहों का और दूसरी तरफ जो शुभ ग्रह माने जाते हैं, भले ही वो गर्म भी हो बेटा, वो ग्रह माने जाते हैं, इनका जब भी यानी कि मंगल और सूर्य के साथ में शनि राहु का टकराव हो जाए तो एक्सीडेंट के योग बनाता है। और ये एक योग ऐसा योग होता है बेटा जिसके अंदर पति के लिए शरीर के अंदर किसी न किसी तरह का डैमेज, यानी टांग टूट जाना, कमर के हिस्से के ऊपर तकलीफें आना, और अगर बृहस्पति हो तो छाती के हिस्से पे भी दिक्कत आती है, और अगर बुध हो तो बेटा दिमागी सदमा भी बनता है, और किसी न किसी तरह का वो कहते ना कि कोमा में चले जाना या किसी और तरह की दिक्कत आ जाना, जो दिमाग बुद्धि से संबंधित जो हालात खराब हो जाते हैं बेटा इस तरह के। और मंगल के साथ में हो तो बहुत बड़ा जख्म, यानी कि पहले एक्सीडेंट से शरीर फटना और बाद में उसका ऑपरेशन होना। शुक्र के साथ टकराव तो कहने का मतलब जैसे हड्डी वगैरह की चोट पड़ जाना, या केतु के साथ में टकराव तब भी हड्डी की चोट पड़ जाना और जिसके अंदर की
हड्डी का टैक्स होना, इस तरह के हालात बनते हैं। अब इन सबको मैं बेटा अलग अलग करके उनके आपको हल बता देता हूं, ताकि जिसकी जो समस्या है वो उस चीज से संबंधित अपना उपाय कर सके। अगर बेटा कमर पांव से संबंधित पति को चोट लग जाए और या बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी में अगर दिक्कत आ जाए एक्सीडेंट के बाद में, तो केतु के उपाय जरूर करने चाहिए। और उसका उपाय करने के लिए सबसे पहले पति का ये कान छिदवा करके उसके अंदर सोना जरूर धारण करो, सबसे पहला काम, क्योंकि बृहस्पति केतु का ये मेल सारे ग्रहों को जीतने की ताकत रखता है। तो कान छिदवा के पहले सोना पहनाओ, उसके बाद हर बृहस्पतिवार को एक नियम बना लो कि ये 100-150 रुपए का टैक्स चुकाओगे, यानी कि काला सफेद एक कंबल लेकर के सर से लेकर पांव तक पति के वह उतार करके उसे मंदिर में देना शुरू कर दो। और तीसरा, 43 दिन लगातार 3 केले वो मंदिर के अंदर रखा दो, पहले तो ये। और हर मंगलवार को मिठाई बांटना यानी कि बूंदी वगैरह बांटना, या जिसके अंदर रस हो चाहे जलेबी बांट दो बेटा, ये मिठाई का बांटना हनुमान जी को भोग लगा करके ये बहुत जरूरी कर दो। मात्र इतने से किए हुए उपाय भी पति को पूरी तरह से खड़ा कर देंगे। दूसरा, अगर बुद्धि से संबंधित दिक्कत आ जाए यानी कि इंसान कोमा में चले जाए या बुद्धि उनकी कम हो जाए, याद रखने की ताकत कम हो जाए, इस तरह की अगर प्रॉब्लम आए, तो बेटा ऐसे में यही केतु का उपाय यानी कि काला सफेद कंबल और केले का उपाय तो करना ही करना है। इसके साथ में तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का या कली का टांका लगवा करके कम से कम 9 मंगलवार या 9 बुधवार पति के सर से 7 बार उतार के बेटा उसको जल प्रवाह कर दो, समझे, इससे बहुत रिलीफ मिलेगा। और अगर छाती के पोर्शन पे कोई चोट लग जाए, कई बार पसलियां टूट जाती है या सांस लेने में तकलीफ आने लगती है, और कईयों को तो एक तरफ एक्सीडेंट होता है और दूसरी तरफ उनको जॉन्डिस भी हो जाता है, समझे, इस तरह की अगर प्रॉब्लम आ जाए, तो 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल लेकर के बेटा उसे जल प्रवाह कर दो। अगर किसी को भी शरीर के अंदर बहुत ज्यादा स्वेलिंग चढ़ जाए, चाहे आदमी हो या औरत, बहुत ज्यादा स्वेलिंग चढ़ जाए उसकी वजह से दर्द होते हुए शरीर के अंदर, तो बेटा तब भी अगर 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल को जल प्रवाह कर दिया जाए तो ये मुसीबत भी घर से दूर जाती है बेटा। इसके बाद में बेटा, अगर आदमी का हिलना जुलना ही बंद हो जाए और बिल्कुल बेड पे लग जाए, इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं हड्डियों के बीच में कोई खास नस दब गई, जो कि एक पॉइंट ऐसा होता है जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, ऐसे हालात में मामला खराब हो जाता है। ये बुध और राहु इन दोनों के मेल के कारण ये खराबी के हालात बनते हैं बेटा। उसके लिए आपको बुध का ही मेन उपाय करना है, और वो उपाय क्या है, ढाक के 7 पत्ते लेके उनको दूध के साथ धो करके, और साथ ही मिट्टी के लोटे में देसी खान भर के ये लेना है। पहले खड्डा गहरा खोदना है, फिर ढाक के पत्तों को दूध के साथ धो करके उनको खड्डे के अंदर रखना है, और मिट्टी के लोटे में जो देसी खान भरी हुई है वो भी उसके ऊपर रख के बेटा उसका बंद कर दो खड्डे को, और जो खोदने का औजार है और जिसमें दूध लेके गए हो वो वहीं पे छोड़ रहे बेटा। ये उपाय करना, और उसके बाद में फिर केतु का उपाय यानी कि 43 दिन 3 केले मंदिर के अंदर, और हर बृहस्पतिवार को एक काला सफेद कंबल लेकर के सर से 7 बार उतार के मंदिर के अंदर देना बेटा। ये उपाय अगर इस तरह से हुए, परमात्मा की दया से हर तरह का अच्छा सुख प्राप्त होगा, पति का स्वास्थ्य बहुत जल्दी अच्छा होगा और घर में दोबारा बहुत अच्छी खुशहाली आएगी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है, रश्मि है दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। प्रणाम गुरुजी। माता रानी सदा सुखी रहो बेटा। गुरुजी मेरी डेट ऑफ बर्थ है आप 7 मई 1982। ठीक है, जन्म स्थान रुड़की और टाइमिंग है सुबह सुबह 4:15 बजे का। सुबह 4:15 रुड़की। गुरु जी मैं बेटा, मेरा नाम रश्मि पालीवाल है गुरु जी, और मैं ये जानना चाहती थी कि मेरी शादी कब तक हो सकती है बेटा। परमात्मा ना बड़ा विचित्र खेल खेलता है जी। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर काम काज के बहुत अच्छे योग बने होते हैं, जो लोग टैलेंटेड होते हैं और जिंदगी के अंदर वाकई नाम कमाने के लिए पैदा होते हैं,
उनको गृहस्थी के सुखों में पहले डिले और बाद में तकलीफें बना देता है। और यही मंगल शनि का मेल बेटा तुम्हारे छठे घर के अंदर बैठा है, ये चाहता यही है कि तुम्हारे पास से बड़े बड़े काम करवाए, मैनेजमेंट के काम करवाए और सारी जिंदगी काम करवा के उसके बावजूद भी ये तुम्हें थोड़ी सी धन की कमी बना के रखे और मैरिड लाइफ के सुखों के लिए कमजोरी के योग थे, समझ गए। इसी वजह से ये मैरिड लाइफ डिले भी और बाद में छोटी छोटी तकलीफें बनना ये योग है। ये तो बहुत अच्छा हुआ तुम अभी ये उपाय करने लगी हो, अगर ये उपाय नहीं होता तो मैरिड लाइफ के सुखों में दिक्कत होती। और वो उपाय है 27 शनिवार तुम्हें ये उपाय करना बेटा। और वो उपाय क्या है, लोहे के कटोरे के अंदर शहद भर के और 10 डलिए साबुत सुरमे की डाल करके उसके अंदर और उसमें मुंह देख करके हर शनिवार को मंदिर में देना शुरू कर दो। और जिस दिन ये छठा शनिवार होगा उस दिन बेटा तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी के हालात खड़े होंगे और जिंदगी के अंदर आगे अच्छे रहेंगे। और दूसरी बात एक और, जब भी तुम्हारे ऊपर मेहनत करने के बावजूद काम अच्छा होने के बावजूद भी कर्जा चढ़े तब एक उपाय जरूर करना, और ये साल में वैसे भी हर साल करोगी तो बहुत उत्तम रहेगा। और वो उपाय है कि तांबे के लोटे के अंदर 400 ग्राम चावल 400 ग्राम चने की दाल डाल करके बेटा 7 बृहस्पतिवार उसे मंदिर में दे दिया करो। अगर ये उपाय होते रहे मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, कामकाज बहुत अच्छे के योग है और कमाई भी बहुत अच्छी रहेगी, जिंदगी में कभी कर्जे का मुंह नहीं देखना पड़ेगा अगर ये उपाय हो गए। और ये उपाय करो और सदा सुखी रहो। हाँ, घर में जब भी टॉयलेट बाथरूम गेट सीढ़ी छत या फर्श कुछ भी तोड़ के बनाओगे तब घर में दवाइयों का दौर भी आएगा, पैसे के नुकसान भी होंगे। जब भी कभी घर में रिपेयरिंग करनी हो तो सबसे पहले उपाय ये करना बेटा कि 7 बुधवार 400 ग्राम धनिया साबुत मसाले वाला लेकर के उसको जल प्रवाह करना। अगर ये उपाय हो गए तेरी जिंदगी बेटा बहुत खुशहाल रहेगी और कामकाज भी और पैसा भी सब कुछ बहुत उत्तम अवस्था में रहेगा। खुश रहना। इस वक्त हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़े हुए हैं संकेत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। जी, मेरा नाम है संकेत देवलेकर है और मेरा टाइमिंग है 3 बजे और मेरा बर्थडे 3/01/1991 है। और जो मेरा एक ऐसा एक प्रॉब्लम होता है सर, गुरुवार का जो टाइम जो है हर हफ्ते के गुरुवार का किसी के साथ जो बात प्यार से जो करता है तो सामने वाला जो आदमी जो चिल्ला के आदमी बात करता है, ऐसे हर हफ्ते का ऐसा गुरुवार का मेरा ऐसा दिन खराब जाता है सर। बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि चंद्र और मंगल का एक ऐसा स्क्वायर है जो कि मन की शांति घर के ये मन की शांति घर के अंदर की सुख शांति को भंग करता है और यही शादी के बाद भी तकलीफें देता है। और दूसरा योग है सूर्य और बुध का अष्टम भाव के अंदर बैठना, जिसके अंदर बेटा हर काम ऊपर पहुंच के नीचे भी गिरता है और आसपास का माहौल जो होता है उसके ऊपर हम प्रभाव नहीं डाल पाते और उसकी वजह से खाम खाई में दूसरों के साथ में विवाद वाली स्थितियां बनती है, ये दूसरा। और तीसरा एक और योग, राहु देव का भाग्य स्थान के अंदर बैठना, यानी कि तुम्हारे मुंह से वाकई ही ऐसा निकलेगा जो कि वाकई में एक तकलीफ पैदा कर दे और दूसरे को चुप जाए और तुम्हें नहीं पता चलता, तुम्हें लगता है कि तुम नॉर्मल बोल रहे हो लेकिन वो दूसरे को चुप जाती है। और जब तक इन तीनों योगों का इलाज नहीं होता बेटा, काम धंधे के लिए, गृहस्थी के सुख के लिए, दूसरों के साथ व्यवहार के लिए और अपना प्रभाव दूसरों के ऊपर डालने के लिए, सबके लिए ये योग खराब है। और वो उपाय तुम्हें करना है, सबसे पहले 43 दिन लगातार 4 छुहारे 4 गिलास पानी के अंदर उबाल करके और उसके बाद उनको ठंडा करके छुहारों सहित उसको जल प्रवाह करना। बॉम्बे में रहते हो तो बेटा ये समुद्र में भी कर सकते हो। दूसरा, हर साल जन्मदिन के ऊपर कांच के मर्तबान के अंदर गुड़ भर के और कांच का ही ढक्कन लगा के बेटा उसको वीरान जमीन के अंदर घुमाना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अगर ये हर साल तुमने काम नहीं किया तब भी तुम्हें तकलीफ रहेगी। और अब फाइनल उपाय, इसके बाद में तुम्हें कामकाज भी अच्छा मिलेगा बेटा, तुम्हारा प्रभाव भी दूसरों के साथ अच्छा रहेगा, भाई यार दोस्त मित्र पार्टनर के सुख भी अच्छे रहेंगे। और ये उपाय है 43 दिन लगातार 4 पीले नींबू बिना दाग के, जिनके अंदर एक भी दाग ना हो वो लेकर के मंदिर के अंदर देना। बेटा ये तीनों उपाय कर दो, तुम्हें जिंदगी जीने का मजा आएगा, इज्जत पूरी तरह से मिलेगी और कामकाज बहुत अच्छी तरह से करेगी, दाता सुख है। कोई शक नहीं। गुरु जी, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि शादी के बाद में रिश्ते खराब हो जाते हैं पति की वजह से, अब वो चाहे पत्नी के मायके से हो या फिर पति के अपनी ही फैमिली से हो, ऐसा क्यों होता है और अगर रिश्ते खराब हो रहे हैं तो क्या सुधार किया? ये सवाल तो तुम्हारा एक है लेकिन जवाब इसके दो हैं जी।
अगर जन्म कुंडली के अंदर राहु किसी भी अवस्था के अंदर बहुत ज्यादा खराब अवस्था के अंदर बैठा हुआ हो, यानी कि उसका संबंध अष्टम भाव के साथ में हो जाए, या जो गर्म ग्रह जन्म कुंडली के होते हैं उसके साथ में हो जाए, या शुक्र राहु का मेल हो जाए, तो इंसान की ससुराल वालों के साथ में बिगड़ती है। और इसके सिम्टम्स ये भी होते हैं कि शादी होने के पहले एक साल के अंदर ससुर को किसी न किसी तरह की फाइनेंशियली दिक्कत या सेहत की दिक्कत भी जरूर आती है, यानी कि जहां ये आ जाए तो ये सिम्टम है कि आगे भविष्य के अंदर दामाद के साथ हालात खराब होने लगे। ठीक है, ऐसे में राहु का इलाज करना बेटा बेहद जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो ससुराल के साथ में मामले खराब रहते हैं। इसके इलाज के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो बेटा अपना घर साउथ फेसिंग नहीं होना चाहिए। जिनका घर साउथ फेसिंग है उनको अगर राहु खराब मिलेगा जन्म कुंडली के अंदर तो बेटा ससुराल के साथ बिगड़ेगी। उसके लिए सबसे उत्तम उपाय, वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले लेकर जल प्रवाह, और साथ ही मंदिर के अंदर खाने पीने की वस्तुएं पहुंचाते रहना, या फिर हर बृहस्पतिवार को खट्टी मीठी चाट बना करके जिसके अंदर की इमली भी डाली हुई हो ये लेकर के गरीब बच्चों के अंदर ये वितरण करना। अगर ये उपाय करेंगे तो बेटा तब मामला सारा ठीक रहेगा, ससुराल के साथ अच्छे हालात रहेंगे। और अगर बहुत ही बिगड़ती हो ससुराल के साथ में तो 43 से लगातार 8 खोटे सिक्के उनको आप जल प्रवाह कर दीजिए, यानी कि राहु को निकाल के चंद्रमा की शरण में पहुंचा दीजिए। राहु अच्छे हो जाएंगे तो ससुराल अच्छा हो जाएगा, एक बात तो ये। दूसरा, जब शादी के बारे में अपने ही भाई बंधुओं के साथ में बिगड़ती है, अपने ही खून के रिश्तेदारों के साथ में बिगड़ती है बेटा, ये होता है सूर्य का खराब होना और मंगल का खराब होना। मंगल अपनों का खून, सूर्य यानी कि अपनों की रिश्तेदारी, यानी कि पिता की तरफ की रिश्तेदारी। तो ऐसे में बेटा सबसे पहले तो सूर्य को अच्छा करना बहुत जरूरी है और मंगल की सहायता पहुंचानी जरूरी है। अगर अपनों के साथ बिगड़ने लग गई है तो बेटा हर रविवार को गुड़ और गेहूं लेकर के वो बंदरों को खिलाना शुरू कर दो। सबसे पहला उपाय, काले और नीले रंग के कपड़े पहनने, टोकरी बंद कर दो, और हर शनिवार को उड़द साबुत, काला चना, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, बेटा ये दान देना शुरू कर दो। और जौ, 1 किलो जौ लेकर के दूध के साथ धोके लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे लगा दो। बेटा मात्र इतने से उपाय करके देखो, अपनों का पूरा सुख नसीब में आ जाएगा, अपनी रिश्तेदारी के साथ में बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी, बेमतलब के अंदर जो दिमाग में विचार आते हैं अपनों के लिए जो कमियां बनाते चले जाते हैं उससे दूर होगा, समझे, ये सारी खराबियां दूर होकर के जीवन में सुख मिलेगा। और जो भी इंसान अपनों के साथ बिगड़ने के बाद में अगर केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पे लगाता रहता है बेटा, चाहे कितने भी रिश्ते खराब हो जाए उसमें संवरने की गुंजाइश बनती ही बनती है, और एक दिन परिवार फिर दोबारा इकट्ठा होता ही। और अब बारी आती है मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का राशिफल जानने की। मकर राशि, काम काज में लाभ होगा, खर्च अधिक होगा, कंपटीशन और शिक्षा में मन नहीं लगेगा, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। कुंभ राशि, आपको यात्राओं के अवसर मिलेंगे, कुछ दिनों के लिए घर परिवार से दूर रहना पड़ सकता है, मेहनत के मुताबिक फल नहीं मिलेगा, आपको नजला जुकाम हो सकता है, मन भी खराब रहेगा। मीन राशि, आप घर के बड़े लोगों का आदर सत्कार करेंगे, किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, दोस्तों से अनबन मानसिक तनाव पैदा करेगा, गुस्से पर कंट्रोल रखें। फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। बिहार से कॉलर हैं, आप अपना नाम बताइए और डिटेल्स के साथ में सवाल कीजिए। मेरा नाम अमित कुमार पोद्दार है। चलिए गुरुजी से चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, आज हम पति पत्नी के रिश्तों पे बात कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर में पैसे बहुत होते हैं लेकिन प्यार नहीं होता है। हाँ बेटा, पति बहुत अच्छी तरक्की कर रहे होते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन पत्नियों की ये परेशानी होती है कि वो घर में समय नहीं देते हैं, प्यार नहीं होता है पति पत्नी के बीच, ऐसा क्यों होता है और उपाय क्या किए जा सकते हैं? बेटा जब भी जन्म कुंडली के अंदर 6ठा और 10वां घर ज्यादा एक्टिव हो जाता है और इसके अंदर गर्म ग्रह चले जाए बेटा, ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। अब पति को ये काम तो खूब देते हैं, जिंदगी के अंदर नाम बहुत देते हैं, अपना आसपास का माहौल और जहां जहां पति काम करता है वहां पर सारी लोग इज्जत बहुत देते हैं, लेकिन अगर पति पत्नी का निजी जीवन देखा जाए तो उसके अंदर दिक्कत रहती है।
यानी कि काम की व्यस्तता के कारण और समय कम होने के कारण ये तकलीफें रहता है। और पति जब बाहर से आता है, बाहर तो पूरी दुनिया को डिप्लोमेटिकली बिल्कुल हैंडल करके आता है, सब कुछ करता है, लेकिन घर में कदम रखते ही वो जैसे अपने आप को थका हुआ महसूस करता है और एक ही जवाब होता है कि मैं अभी थका हुआ हूं। और नहीं तो बाहर बड़े बड़े काम करने के कारण उसको घर के अंदर भी हर चीज के अंदर कमियां नजर आने लगती है, कारण ये कि उसको हर चीज में परफेक्शन चाहिए, इस तरह की आदत डाल देता है बेटा। और ये योग गृहस्थी के लिए बहुत ही खराब होता है, क्योंकि गृहस्थी चलती है माफ करने पे, क्योंकि अपने घर के लोग भी आपके जितने परफेक्ट हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हर इंसान अलग अलग है, हर इंसान का नसीब अलग अलग है और ग्रह अलग अलग होने के कारण सोच का तरीका हर किसी का अलग अलग है, इसीलिए जबरदस्ती किसी को भी अपने अनुसार चलाना ये बिल्कुल गलत होता है। समझे, आप परफेक्ट हो तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया परफेक्ट है, उसके कारण ही ये सोच ना रखने के कारण ही गृहस्थी का माहौल खराब होता है। और इसको ठीक करने के लिए बेटा पहले तो शुक्र को अच्छा करो। शुक्र को अच्छा करने के लिए सबसे पहले सुबह सवेरे गर्मी उठ करके नहा धो करके बेटा खुशबू वाली धूप पत्ती अगरबत्ती वो जरूर लगाए, घर के अंदर और किसी भी तरह की खुशबू ला करके अपने घर के अंदर वो छिड़कना बेटा, ये शुक्र को अच्छा लगता है। दूसरा, काले रंग की गाय की सेवा ये जो भी औरत करती है या लाल रंग की गाय की सेवा जो भी औरत करती है बेटा, पति पत्नी के सुखों के लिए सबसे उत्तम हालात इसी से तैयार होते हैं। और खास तौर पे मंदिर पे खड़ी हुई काली या लाल गाय हो समझे तो बेटा ये सोने पे सुहागा है, यानी कि उसके अंदर हालात बहुत अच्छे बनते चले जाते हैं। दूसरा, अगर यहां पर गर्म ग्रहों का अगर हम इलाज करते रहेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। और गर्म ग्रहों के इलाज के लिए क्या करना चाहिए बेटा, हर बृहस्पतिवार को जो बूंदी वाले लड्डू होते हैं, बूंदी वाले 5 लड्डू लेकर के बेटा वो मंदिर के अंदर देना शुरू करो। और बृहस्पतिवार के दिन ही पीपल के पेड़ पे कच्चा पीला सूत लपेट करके जल चढ़ाना, ये बृहस्पति को अच्छा करेगा साथ में। और मंगलवार के दिन दूध के अंदर हलवा बना करके बेटा वो गरीबों के अंदर बांटो। जिनके भी घरों में क्लेश है, गाय की सेवा, 5 पीले लड्डू और पीपल के ऊपर जल चढ़ाना और साथ में दूध में हलवा बनाकर के हर मंगलवार को बांटना बेटा, ये करके देखो, गृहस्थी के अंदर के क्लेश बिल्कुल चले जाएंगे, मियां बीवी के आपस में खुशहाली के हर तरह के दौर पूरी तरह से खुल जाएंगे। और इसी के साथ ही गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी के लिए। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशी बख्शे। उम्मीद करते हैं कि गुरुजी ने जो भी लक्षण बताए हैं उन्हें आपने ध्यान से सुना होगा। बस उपाय करते रहिए, पति पत्नी के बीच कोई परेशानी नहीं होगी और जीवन सुखद होगा। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय के साथ। नमस्कार।